ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषूपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते। While contemplating on the objects of the senses, one develops attachment to them. Attachment leads to desire, and from desire arises anger. This excerpt is taken from Bhagavad Gita, chapter 2, verse 62, which explains how attachment to desires leads to emotional struggle. For example, aapki job lagi hai, आप अच्छी पोस्ट पे हो, आपकी अच्छी सैलरी है, और कहीं ना कहीं एक लेवल ऐसा आता है जब आपकी अटैचमेंट हो जाती है आपकी जॉब के साथ। अटैचमेंट आने की वजह से आपकी लाइफ में डिज़ायर्स आ जाते हैं कि आपको अच्छी सैलरी कमानी है, आपको और अच्छी पोस्ट पे जाना है, आपको अपनी फैमिली की हर विश पूरी करनी है, आपकी लाइफ में डिज़ायर आ जाता है। और एक टाइम ऐसा आता है कि आपको कह दिया जाता है कि आप को आपकी जॉब से निकाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो डिज़ायर्स फुलफ़िल नहीं हो पाती, और डिज़ायर्स ना फुलफ़िल होने की वजह से आपको गुस्सा आता है, फ्रस्ट्रेशन आती है, एन्जाइटी, डिप्रेशन, ऐसी फीलिंग्स आ जाती हैं। तो डिज़ायर रखने से आपको इतनी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, ठीक है। और यही कान्हा जी भी यही कहते हैं कि डिज़ायर्स लीड्स टू इमोशनल स्ट्रगल्स। अगर आप कोई चीज़ कर रहे हो और उस चीज़ के साथ आपके अटैचमेंट्स बढ़ गई हैं, तो अटैचमेंट्स कहीं ना कहीं आपके डिज़ायर्स का कारण बनेंगे। डिज़ायर्स आ गए, और डिज़ायर आने की वजह से, डिज़ायर फुलफ़िल ना होने की वजह से आप एंजाइटी, डिप्रेशन, ऐसी चीज़ों का शिकार हो जाते हैं। तो कान्हा जी यही कहते हैं कि आपको हर सिचुएशन में काम रहना चाहिए, और कभी भी डिज़ायर्स को अपने साथ इतनी भी अटैचमेंट नहीं लेके आनी होती किसी भी चीज़ की कि आप डिज़ायर्स के शिकार बन जाओ। अपने ऊपर डिज़ायर्स को हावी नहीं होने देना, और अपने माइंड को काम रखना, शांत रहना, और अच्छे मन से, साफ दिल से काम करना। Krishna teaching in this shloka is a reminder that when we let go of our rigid attachments, we become more adaptable to life changes. The person in our example can find peace only by detaching.